सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन राजघाट रोड तिलीवाट सागर मध्य प्रदेश। शुक्रवार को सागर जिले के राहतगढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो लोग मकान की दीवार गिरने से उसके नीचे दब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी कहती है कि राहतगढ़ के परासरी त्योंदा निवासी आदित्य अपने परिजन नौरजा निवासी कल्लू के साथ गाँव में ही बाइक से एक मकान से अपने दूसरे मकान पर जा रहे थे, तभी रास्ते में कच्चे मकान की दीवार भरभरा कर ढह गई जिससे दोनों दीवार के नीचे दब गए। सूचना मिलते ही लोगों ने आनन फानन में दोनों को राहतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया जबकि कल्लू को प्राथमिक उपचार के बाद सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। नौजवान युवक आदित्य की मौत के बाद परिवार के साथ साथ पूरे क्षेत्र में दुख का माहौल है। हमारे यहाँ जो दो लड़के हैं वो अपने एक घर से दूसरे घर के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कच्ची दीवार थी वो उनके ऊपर गिर गई। बाइक से जा रहे थे तो दोनों दब गए सर। आदित्य की मृत्यु हो गई वहाँ पे मौके पे और एक छोटा इन्हें उनका मामा था कल्लू नाम का उससे बड़ा तो उसके फ्रैक्चर हो गया तो सागर हॉस्पिटल में भर्ती पीएम हो गया है। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है लेकिन इतनी बात जरूर है कि इन दिनों बरसात की वजह से कच्चे मकान नए नए हादसों को जन्म दे रहे हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। राहतगढ़ से इमरान कुरैसी, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।